नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है। इसमें सरकार एक याचिका दायर करने जा रही है हाई कोर्ट में। तो इसमें क्या याचिका दायर करेगा सरकार, ठीक है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि 38.5% अभ्यर्थी पास हुए हैं, ठीक है। तो किस लिए यह सरकार अब जा रही कोर्ट, तो हम इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े। दोस्तों, आप सबके लिए योगी सरकार काफ़ी अच्छा कार्य करने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई गई है उसमें कट ऑफ कम करने के लिए योगी सरकार यह याचिका दायर करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है मेन हेडिंग में कि कट ऑफ कम करने के लिए सरकार अब याचिका दायर करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पहले कट ऑफ दिया गया था तो वो 45% था, फिर उसके लिए सरकार ने 33% कर दिया, फिर उसको बढ़ा के 45% हाईकोर्ट के याचिका में कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी यह मामला जो है हाईकोर्ट में चल ही रहा है कि उसके बीच इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया गया है हाईकोर्ट निर्णय के बाद, ठीक है। तो इसमें केवल महज 38.52% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके चलते अब सहायक शिक्षक का जो है 26,944 पद रिक्त रह जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब विभाग जो है कट ऑफ को कम करने के लिए, जिससे कि सीटें भर जाएं, ठीक है। तो कट ऑफ कम करने के लिए सामान्य ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसको यह 5% कम किए जाने की अनुमति मांगी जाएगी, ठीक है। कम से कम ये 5% कम कराने के लिए ये हाईकोर्ट में फिर याचिका दायर करेंगे, जिससे कि इस सीट को भरा जा सके। अगर कोर्ट से राहत न मिली तो इसके लिए यह विभाग TET 2018 का आयोजन कराएगा, ठीक है। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो जो TET 2018 है उसका यह विभाग आयोजन करा के इस सीट भरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों को, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।